अभियान अभी शुरू होगा। 3, 2, 1 एक्शन। एक लड़का था, एक सेठ के यहाँ काम करता था, तो उसके माँ बाप थे नहीं, तो खाना पीना उसको तकलीफ थी। तो वो क्या करता, जो सेठ दिन भर में जो देता था ना, तो शाम को अपनी रोटी वोटी बना के खा लेता था। ऐसी उसकी जिंदगी रोज चल रही थी। रोज वो 4 चपाती बनाता। एक दिन देखता है कि 4 चपाती में से 3 चपाती है, दूसरे दिन देखता है कि 4 चपाती में से 3 चपाती है। उससे रहा नहीं जाता कि वो क्या रहा है, तो वो तीसरे दिन देखता है कि भाई एक चूहा लेके जा रहा है, मोटा चूहा है, तो उसको पकड़ लेता है। बोले यार मैं वैसे ही मुश्किल से 4 चपाती बनाता हूँ और तू मेरी से 1 चपाती खा लेता है। तो बोला यार देख तू मेरी लाइफ डिस्टर्ब मत कर। कौन बोला? चूहा। मेरे नसीब का मैं खा रहा हूँ। बोले यार क्या नसीब, मेरे 4 में से तू 1 खा लेता है। बोले मेरे तो बहुत समस्या है। बोले समस्या है तो तेरा समाधान एक आदमी कर सकता है। बोले कौन कर सकता है? ते गौतम बुद्ध कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो गौतम बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है। तो ठीक है, वो गौतम बुद्ध के पास, तो बोला ठीक है क्या कहा है? तो वो वहां से 5 दिन के लिए सेठ से छुट्टी लेता है कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। तो यात्रा चालू होती है। यात्रा चालू होती है तो होता क्या है कि वो जैसे ही रात पड़ जाती है तो देखा बहुत लंबी यात्रा है, तो एक हवेली दिखती है। हवेली के अंदर जाता है कि माँ मुझे शरण दो। तो बोले सो जाओ बेटा। सुबह उठता है, बोले कहाँ जा रहा है? बोले मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे को एक सवाल पूछना है। तो बोले मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। बोला क्या सवाल? बोले मेरी 20 साल की बेटी है, बोलती नहीं है। अच्छा, तो उसको कैसे ठीक होगी तू भगवान से पूछ लेना। बोला ठीक है, वो इसका सवाल पैक कर लिया। थोड़ा आगे जाता है तो बर्फ के पहाड़ आते हैं। तो बर्फ के पहाड़ आते हैं ना, तो देखता है यार इस पहाड़ को कैसे दूर करूं। तो देखता है ऊपर एक जादूगर बैठा हुआ है। तो जादूगर को बोलता है जादूगर भाई मुझे। तो बोले आजा। वो छड़ी घुमाता है एकदम ऊपर आ जाता है। बोले कहाँ जा रहा है? बोले गौतम बुद्ध के पास जा रहा है। बोले क्या? बोले मेरी एक समस्या है। तो बोले मेरी भी एक समस्या लेके जा, मेरा भी एक सवाल पूछ के जा। बोले क्या? बोले मैं 1000 साल से इधर तपस्या कर रहा हूँ, मैंने मेरी पूरी बॉडी को एज को बंद करके रखा है, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? बोला ठीक है पूछ लूंगा। वो छड़ी करता है कि वो सीधा पहाड़ पार हो जाता है। फिर थोड़ा आगे चलता है, आगे चलते 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 देखते एक बहुत बड़ी नदी आई। अब नदी पार करनी तो एक कछुआ भाई मिलता है, बड़ा कछुआ दिखता है उसको। तो बोले कछुआ भाई मुझे नदी पार करा दो। बोले बिंदास करा दूंगा, तू बैठ मेरे ऊपर, बैठ। ये पार किया। बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले गौतम बुद्ध से मुझे एक समस्या का सवाल पूछ रहा है। तो बोले मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। बोला क्या? मैं 500 साल से इधर हूँ और 500 साल से हूँ, मेरे को ड्रैगन बनना है। तो तू कैसे कोई रास्ता बता? बोला ठीक है। वो सीधा सब पहुँचते वो वहाँ पे गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध बैठे, बोले सब भक्त जन आगे। बोले हर एक आदमी मेरे से 3 सवाल पूछ सकता है। क्या बोला? अब ये सोचा मेरे पास तो 4 सवाल है, अब मैं उसका 500 साल से कछुए का अगर सवाल नहीं पूछू तो तकलीफ हो जाएगी। 1000 साल वाला वो जादूगर का नहीं पूछू तो तकलीफ हो जाएगी। और ये जो 20 साल से बोल नहीं रही है उसका अगर सवाल नहीं पूछूंगा तो भी तकलीफ हो जाएगी। मेरे को तो खाने पीने की प्रॉब्लम है ना, मेरा सवाल ड्रॉप कर देता हूँ, इन तीनों का सवाल मैं पूछ लेता हूँ। तो वो तीनों का सवाल पूछा तो गौतम बुद्ध ने बोला कि उसको बोलना जो कछुआ है उसको बोलना तेरा कवच हटा दे, तू ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर को बोलना वो छड़ी लेके बैठा है वो छड़ी को त्याग करे तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। और जो लड़की है ना उसकी शादी करवा दो, वो बोलनी चालू हो जाएगी। वो जैसे ही आता है वहाँ गया तो वो सीधा ही गया कछुआ के बोला कि कछुआ सेठ, हाँ। बोला तेरा कवच हटा दे, तेरा कवच हटा दे। जैसे ही वो कवच हटाता है अंदर से मोती के मोती निकलते। तो वो कछुआ बोलता है एक काम करो, तो मेरे मोती सब तेरे को गिफ्ट। अब ये पैसे वाला बन गया, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरे वहां जाता है, सेकंड डे वहां जाता है जादूगर के पास। बोले जादूगर साहब, बोले क्या है? बोले ये चीज है। तो बोले तुम्हारी छड़ी को तू छोड़ दे। बोले यार इतनी सी बात थी, वो दे छड़ी तेरे को। और वो जाता है स्वर्ग में, इसको पावर आ जाता है, वहाँ पैसा मिल गया, इधर वो सीधा जाता है वहाँ पे लड़की वाले के घर पे जाके पूछता है क्या भाई क्या? बोले तुम्हारी लड़की को जिस दिन तू शादी करा देगा तेरी लड़की बोलनी चालू हो जाएगी। वो वहाँ बोलता है यार तेरे से बढ़िया दूल्हा कहाँ मिलेगा। लड़की को भी तू लेके जाओ। तो हेल्थ वेल्थ एंड सब लाडी वाडी गाड़ी सब मिल गई। तो बोले तो देखो इन्होंने सबने इसका भला किया और इसने सबका भला किया, तो सब एक दूसरे का भला करते रहो, जिंदगी मस्त चलेगी। वाह 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 भाई।